सभी को नमस्कार। नमस्कार। ठीक है, आज हम सब मिलकर आधे घंटे का अभ्यास करेंगे। उसके पहले मैं थोड़ी चर्चा करना चाहता हूँ। ये जो ध्यान या समाधि के जो अलग अलग स्टेज होते हैं, जो अलग अलग ध्यान समापति कहते हैं इसको हिंदी में, और पाली में झाना कहते हैं, तो ये अलग अलग हमारे स्टेट्स होते हैं जो मेडिटेशन में आते हैं, खासकर जब हम समता, शमत और विपश्यना साथ में प्रैक्टिस करते हैं। तो ये कैसे उत्पन्न होते हैं और कैसे, इनके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, तो ये थोड़ा पहचानने में, और इनका क्या रोल रहता है, ये थोड़ा इसके बारे में थोड़ी चर्चा करूँगा मैं। और इनको पहचान पाने से थोड़ा अपने प्रैक्टिस में, अपनी साधना में जो विकास हो रहा है, जो प्रगति हो रही है, तो उसके भी कुछ लक्षण इसमें दिखते हैं। एक तरीके से आपकी जो समझ बढ़ रही है कि मानसिक प्रक्रिया कैसे होती है, हमारे जीवन के जो अनुभव होते हैं, तो वो किस तरीके से वो अनुभव बनते हैं, कैसे वो हमारे अंदर अलग अलग तरीके के भाव जगाते हैं, ये चीज़ जो समझने की, जो एक इस मानसिक प्रक्रिया को समझने की जो कुशलता है आपकी, तो वो जैसे उसके विकास का एक लक्षण बोल सकते हैं, जो अलग अलग ध्यान या अलग अलग समाधियां होती हैं। तो इसके बारे में थोड़ी शुरुआती चर्चा करूंगा मैं। तो शमत विपश्यना में जैसे हमने पिछले सत्रों में चर्चा करी थी, तो दो चीज़ें हैं। एक, हम मन में एक स्थिरता पैदा करते हैं, और दूसरी चीज़ मन के जो प्रक्रियाएं हैं, जो मन का भटकाव है, जो हलन चलन है, उसको पहचानने की कुशलता बढ़ाते हैं। तो शमत जो हमारे साधना में जो एक स्थिरता आती है, तो उसके उस स्थिरता से रिलेटेड वो शमत की प्रैक्टिस को कहते हैं, और जो मन के भटकाव को पहचान पाने की क्षमता होती है वो विपश्यना या एक इंसाइट्स जो होती हैं, वो इसी चीज़ के बारे में इंसाइट्स होती हैं कि आपके मन का भटकाव कैसे हो रहा है, कि कैसे एक विचार आता है, उस विचार कैसे वो उत्पन्न होता है, जैसे एक स्पर्श होता है आपके कान, आंख, नाक, मुंह में या बदन में या मन में, किसी एक ध्वनि या रोशनी या महक की का स्पर्श होता है, और जो आपकी सुनने, देखने, सूंघने वाली जो क्षमताएं होती हैं, वो वहां से शुरू होकर कैसे हमारा मन उस पर जुड़ जाता है कि ये मुझे पसंद है, नहीं पसंद है, इसका मेरे जीवन में क्या महत्व है, नहीं है, क्या मैं चाहता हूँ कि ये हो, नहीं हो, इससे मेरी एक पूरी एक दुनिया का विवरण होता है कि मेरी दुनिया में इस चीज़ का क्या ये क्या किरदार है, इस जो स्पर्श हुआ है और उससे जो हमारी वेदना उत्पन्न हुई है, और जो उसके आगे जो हमारी कहानियां बनती है, तो वो जो विचारधारा जो हमारी बनती है, इसके बारे में हमने पहले चर्चा करी है। और ये विचारधारा जो बन रही है, इसकी प्रक्रिया को पहचानने से हमें इनसाइट्स मिलते हैं कि कैसे हम अलग अलग, कई बार जैसे हम इमोशनल हो जाते हैं, भावुक हो जाते हैं या परेशान हो जाते हैं, किसी चीज़ के बारे में सोचना बंद नहीं कर पाते, तो कैसे हम उस स्टेट पर पहुंचते हैं कि ऐसा नहीं है कि हम कुछ और काम कर रहे होते हैं और अचानक थोड़ी देर बाद हमें आभास होता है कि हम किसी चीज़ में बिल्कुल जूझ गए और निकल नहीं पाते। तो इसकी प्रक्रिया को जो समझना है, इससे जो हमें ज्ञान प्राप्त होता है, तो उसे विपश्यना कहते हैं। और इस प्रक्रिया को देख पाने के लिए हमारे मन में जितनी स्थिरता होगी, उतनी बारीकी से, उतनी नज़दीकी से हम इस प्रक्रिया को होते हुए देख सकते हैं। शुरुआती जब अभ्यास हम करते हैं, तो उस समय सारी चीज़ें, हमारा हमेशा ऐसा होता है कि मन जब भटक जाता है, थोड़े टाइम एक विचार में फंसा रहता है, उसके बाद हमें आभास होता है कि अरे मैं तो कुछ और कर रहा था और मेरा मन कहीं और चला गया। लेकिन जैसे जैसे आपका मन गहरा होगा, जैसे जैसे इसकी स्थिरता बढ़ेगी, जैसे जैसे अलग अलग समाधियों से गुजरेगा, तो
ये जो मन का भटकाव जैसे शुरू होता है बिल्कुल, मतलब जैसे आपका ध्यान आपके साधना के आलंबन, आप मंगल मैत्री जैसे भेज रहे हैं, उससे जैसे ही हिलने लगता है तो उसके और करीब, वो जो शुरुआती हलचल के बिल्कुल करीबी समय पर आप उसको पहचान पाते हो कि मेरे मन में ऐसी चीज हो रही है, और धीरे धीरे जैसे ये प्रक्रिया समझ में आती है उतना ही हम कुशलता से अपने ध्यान के साथ बर्ताव कर सकते हैं कि हमें समझ में आता है कि ये तो एक चीज हुई थी जिसे मैंने धीरे धीरे उस विचार में चिपक के अटक के मैंने बिल्कुल अपना बना लिया, बिल्कुल निजी बना लिया, और मेरे पूरे दुनिया उस समय उसी विचार में फंसी थी। तो ये समझने के लिए ये जरूरी है। तो शमत विपश्यना में दोनों, ये मन की स्थिरता जो है और मन के भटकाव को पहचानना, ये दोनों साथ में हम लेकर चलते हैं। तो जैसे हम ये अभ्यास करते हैं, हम देखते हैं कि हम बैठते हैं, हम मंगल मैत्री भेजना शुरू करते हैं अपने आप को या अपने आध्यात्मिक मित्र को। थोड़ी देर में हम जैसे ही मन भटकता है तो हम 6 कदमों के जरिए उसको वापस लेके आते हैं। पहले पहचानते हैं कि मन भटक गया है, फिर उसको वहीं उस विचार को वहीं रहने देने का, उसको अपने ध्यान का पोषण ना देने का एक निर्णय लेते हैं, उसको छोड़ देते हैं कि एक तरीके से हम ये समझते हैं कि ये चीज हुई है उससे बहुत, कि मैं ऐसा हूं, मैं ऐसा सोच रहा हूं, इस तरीके से नहीं देखते, बस ये समझते हैं कि ऐसी एक चीज हुई है या ऐसा एक विचार उत्पन्न हुआ है। ये जो दूसरा कदम है हमारा, रिलीज स्टेप। तीसरा कदम है, जब भी मन भटकता है तो ये भटकने और उस विचार में अटके रहने का जो आधार होता है, ये एक, इसे तृष्णा कहते हैं, ये क्रेविंग कहते हैं, और इसका लक्षण जो होता है एक मन में तनाव पैदा होता है। तो ये जब तक तनाव रहता है तो उस चीज को हम अपना मानते हैं, हम निजी मानते हैं, और उस चीज से हम दूर नहीं हो पाते। तो किसी भी, अगर आप विचारधारा में फंसे हुए हैं तो उससे बाहर निकलने के लिए कि हम उस विचारधारा में फंसे हुए हैं, दूसरा उसको रिलीज करना, मतलब ये मानना कि ये चीज, ये एक विचार उत्पन्न हुआ है, ये नहीं सोचना कि ये मेरा है, ये मैं हूँ, ये मेरा बिल्कुल निजी चीज है, ये मेरी दुनिया है। इस तरीके से उस विचार के साथ न जुड़े रहना, उसे अपने ध्यान का पोषण न देने का निर्णय करना, ये हमारा दूसरा कदम है, रिलीज करना। तीसरा कदम है कि जो आधार है, जिस आधार के बलबूते पर हम इस विचारधारा में फंसे हुए हैं और बाहर नहीं निकल पाते, और जिसका लक्षण है हमारे मन में या हमारे शरीर में तनाव, तो उसको हम ढीला करते हैं। तो ये जो आधार हम जैसे ढीला करते हैं, तो उस चीज में फंसे रहना, एक निजी तौर से उलझे रहना, ये कम हो जाता है। ये तीसरा कदम है हमारा। चौथा कदम है मुस्कुराना। मुस्कुराने से हमारा मन भी उत्कृष्ट होता है, और इससे हमारी मन में जो तृष्णा है वो और कम होती है, और एक अच्छे, वापस हम मंगल मैत्री की तरफ जब लेकर आ रहे हैं मन को, एक अच्छे भाव की तरफ लेकर आ रहे हैं, तो उसका एक आधार बनता है ये मुस्कुराना। तो चौथा कदम है हमारा मुस्कुराना। पांचवा कदम है वापस अपने साधना के आलंबन पर लौटना, यानी मंगल मैत्री जो हम भेज रहे हैं वापस अपने आप को या अपने आध्यात्मिक मित्र को भेजते रहना, उसको बरकरार रखना। और छठा स्टेप है रिपीट, मतलब छठा स्टेप एक्चुअली है कि बरकरार रखना ये पूरी प्रक्रिया, क्योंकि जब भी हमारा मन भटके तो इसी रास्ते हम इसको वापस लें, और ये भी समझना कि मन का भटकाव स्वाभाविक है, ये बार बार होना नेचुरल है। तो इससे हर बार हमने वही कुशलता दिखानी है, हर बार उसी तरीके से वापस लेकर आना। तो जब पहली बार आपका मन किसी विचार में से, इस जिस 6 कदमों का जैसे हम इस्तेमाल करते हैं, तो पहली बार एक बार आएगा जब आप एक विचार जो आपको परेशान कर रहा था, आपकी कुशलता थोड़ी बढ़ जाती है जैसे आप अभ्यास करते रहते हैं, और उसमें जो तृष्णा है वो बिल्कुल खत्म हो जाती है उस समय बिल्कुल, मतलब जो आप रिलैक्स रिलीज और रिलीज रिलैक्स और स्माइल से जो आप करना चाह रहे हैं वो इस हद तक हो जाता है कि बिल्कुल आपके मन में तृष्णा वो खत्म हो जाती है एक कुछ क्षणों के लिए। तो ये जब ऐसा जब होता है हमारे अभ्यास में,
तो हम पहली समाधि पर पहुंचते हैं। तो इस साधना में 8 समाधियां हैं जिसका विवरण गौतम बुद्ध ने खुद करा है, और एक सूत्र है जो केवल ये 8 समाधियों पर ही बेस्ड है, जो कि अनुपात सूत्र कहते हैं। मध्यम निकाय में 111 नंबर का सूत्र है ये। तो इस सूत्र में केवल ये 8 जो समाधियां हैं, जो ध्यान समापति कहते हैं या पाली में झाना कहते हैं, इसके केवल इसी का विस्तार किया है सारिपुत्र ने, जो कि मतलब ध्यान और अलग अलग ध्यान जो समाधियां हैं उसमें रहने की बहुत ज्यादा कुशलता रखते थे। तो उसमें पूरा इसका विवरण है। आज हम पहले केवल पहले 4 ध्यानों की बात करेंगे, ठीक है, क्योंकि ये ऐसा हो सकता है जैसे धीरे धीरे आप अपना अभ्यास बढ़ाएं तो आपको भी इन ध्यानों का धीरे धीरे आभास होगा। इस समय शायद आप उसको पहचान नहीं पाएंगे, बहुत अच्छी तरह समझ नहीं पाएंगे, लेकिन ये आपकी आध्यात्मिक एक जो रास्ता आप तय कर रहे हैं उसमें एक प्रगति का लक्षण है। तो पहली बार जब हम अपने मन में तृष्णा सक्सेसफुली बिल्कुल खत्म कर देते हैं एक बार ये 6 आवर्स करते करते, तो उस समय हम पहली ध्यान में पहुंचते हैं। इसमें इसके क्या लक्षण है, पहली जो ध्यान की समाधि है या ध्यान समापति है, इसको इसके लक्षण है कि एक आपके अंदर एक खुशी उत्पन्न होती है, और खुशी के बाद एक मतलब एक थोड़ी ज्यादा उत्साह वाली खुशी होती है और एक थोड़ी संतुष्टि वाली खुशी होती है। इस तरीके के दो आपको आभास होते हैं। दूसरी चीज आप देखेंगे कि इस समय आपका मन खुद ब खुद आपके साधना के वस्तु साधना के वाहन के साथ यानी मंगल मैत्री के साथ बहुत आराम से जुड़ा रहता है। मतलब आपको जो खिंचाव तनाव होता है विचारों का, अलग अलग चीजों से आपको खुजली के पे ध्यान थोड़ा जा रहा है, कहीं शोर मच रहा है उस पे थोड़ा ध्यान धीरे धीरे आकर्षित हो रहा है, पूरा ना खोया हो फिर भी, तो जब पहली बार आपको इस ध्यान का अनुभव होता है तो आपका मन काफी स्थिर हो जाता है, बड़े आसानी से टिका रहता है। एक प्रसन्नता, एक खुशी जो जिसको इसके पाली के टर्म्स हैं सुख और प्रीति, तो एक मतलब एक उत्साह वाला वाली खुशी होती है और एक संतुष्टि वाली खुशी होती है, इनका आभास होता है और आपके मन बहुत आराम से आपके साधना के आलंबन पर टिका रहता है। थोड़ी देर बाद ये फिर खिंच जाएगा, लेकिन पहली बार आपको लगेगा कि एक आपको कॉन्फिडेंस भी आएगा, एक उत्साह और विश्वास दोनों आएंगे कि हाँ कि कुछ मैंने अलग महसूस किया कि हाँ कुछ समय के लिए मैं बहुत आसानी से अपने साधना के आलंबन के साथ बना रहा। तो ये पहला पहली समाधि या पहला ध्यान समापति जिसे कहते हैं प्रथम ध्यान समापति वो है। इसके बाद थोड़ी देर बाद आप जैसे आप करते रहते हैं 6 आवर्स प्रैक्टिस करते रहेंगे, मतलब ये जरूरी नहीं कि एक ही अभ्यास में हो, कई अलग अलग अभ्यासों में हो सकता है। इसके बाद क्या होता है, अगला जो स्तर होता है हमारा जिसे द्वितीय ध्यान समापति कहते हैं, यहाँ पे भी आपको खुशी का एहसास होता है और ये थोड़ा इसमें भी थोड़ी संतुष्टि ज्यादा होती है और उत्साह जितनी पहली बार पहले ध्यान में होता है उससे उत्साह थोड़ा कम होता है लेकिन संतुष्टि बहुत ज्यादा होती है। दूसरी चीज, पिछली बार मिलिन जी ने एक सवाल पूछा था कि नोबल साइलेंस क्या होता है, तो इस स्तर पर जब हम पहुंचते हैं तो हमारे मन में जो एक अंदरूनी हमारी बोलचाल चल रहा होता है, जो अंदरूनी डायलॉग चल रहा होता है, हमारे मेंटल चैटर जिसे कहते हैं, कि हमेशा ऐसा होता है कि हमारे मन में जब भी हम चुपचाप बैठते हैं, जब हम मुंह नहीं खोलते हैं, तो ऐसा रहता है कि हमारे मन के अंदर कुछ वार्तालाप चल रहा है, तो ये जो वार्तालाप होता है ये बिल्कुल शांत हो जाता है। बल्कि आप जो जिस तरीके से शुरू करते हैं कि मैं खुश रहूं, मैं संतुष्ट रहूं, या अपने आध्यात्मिक मित्र को कहते हैं कि आप खुश रहें, संतुष्ट रहें, सुखी रहें, शांतपूर्वक रहें, तो ये जो चीजें इनका उच्चारण मन में करना, इसमें भी एक छोटी सी तकलीफ महसूस होती है कि इससे मैं और अपने जो मेरे मन में जो स्थिरता है उसको मैं डिस्टर्ब कर रहा हूँ, मतलब एक ये भी एक डिस्ट्रैक्शन की तरह हो जाता है,
इस समय पे आप उच्चारण करना बंद कर सकते हैं और केवल जो भाव है मंगल मैत्री का केवल वो भेजें। मतलब आपके मन में सिर्फ वो चाह होना, वो कामना होना कि मैं अपने आध्यात्मिक मित्र को भेजना चाह रहा हूँ, वो काफी होता है इसमें। तो इसे नोबल साइलेंस कहते हैं और ये दूसरा ध्यान का स्तर होता है जिसमें आपकी प्रगति होती है पहले ध्यान के बाद। इसमें जैसे मैंने कहा एक संतुष्टि वाली खुशी का आभास होता है, आपका विश्वास बहुत ज्यादा बढ़ जाता है कि हाँ मैं बिल्कुल सही कर रहा हूँ। मतलब एक चीज है कि ये सब आपके मन में चल रहा है तो कई बार लोगों को काफ़ी शंका रहती है कि क्या मैं सही समझ रहा हूँ, क्या मैं सही कर रहा हूँ, क्या मेरी प्रगति हो रही है। तो ये लक्षण जो है वो हमें समझा सकते हैं कि हमारी प्रगति हो रही है। बहुत ज़्यादा इनमें जुड़ने या इनके बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन इनको ये चीज़ है कि जैसे आपको दूसरा ध्यान का जब आभास होगा, जब आपको बहुत एक शांतता का आभास होगा और एक विश्वास का आभास होगा, तो उस समय आप उच्चारण करना बंद कर सकते हैं कि आप खुश रहें, आप शांतापूर्वक रहें, संतुष्ट रहें, जो भी हैं, तो इसका उच्चारण करना बंद कर सकते हैं। इसके बाद जैसे हमारा मन और स्थिर होते रहता है, और ऐसा नहीं है हर एक ध्यान के स्तर में भी आपका मन भटकता है, और उस समय जब हमारा मन किसी विचार में भटक जाता है तो हम उस ध्यान के स्तर पर नहीं रहते, तो हमारा उस ध्यान के स्तर से हम बाहर चले जाते हैं। लेकिन हम शिक्षार करके वापस आ सकते हैं या नहीं भी आ सकते। जब भी हमारा मन स्थिर रहता है तो ये जो अलग अलग ध्यान के स्तर हैं उसमें हम पहुंच जाते हैं। तीसरा जो स्तर है इसमें आपको ऐसा लगने लगेगा कि आपके हाथ पैर मतलब मानो कि मौजूद है ही नहीं, इनमें कुछ हलचल होगी, कोई मक्खी आके बैठ गई या कुछ हवा लग गई या कुछ गीलापन का कुछ एहसास हुआ, तो ये जो चीज़ें हैं ये हम समझ पाएंगे। मतलब केवल जब स्पर्श होता है हमारे बदन पर तो धीरे धीरे हमारे बदन की जो सेंसेशन है, बदन का जो अनुभव है हमारा, वो बहुत कम होने लगता है। धीरे धीरे हम एक मानसिक ध्यान के स्तर की तरफ हम प्रगति कर रहे हैं। यहाँ पे आपके बदन में केवल कोई स्पर्श होता है तभी आपको आभास होता है, वरना ऐसा हो मानो कि आपके मतलब हाथ पैर हैं ही नहीं, मतलब बिल्कुल ऐसा लगता है कि ये गायब हो गए। तो ये एक लक्षण है तीसरे आपके स्तर का। यहाँ पे आपके मन में एक जो उपेक्षा का भाव होता है वो जागने लगता है, कि मतलब आपके मन में एक ऐसी स्टेबिलिटी आती है, जैसे माताजी खेमा कहती हैं कि पहले दो ध्यान ऐसे हैं कि जैसे एक कुर्सी के दो पैर हैं केवल, अभी तीसरा पैर जैसे ही आता है तो फिर भी वो अपने आप टिक के रह सकता है, और जैसे जैसे और पैर जुड़ते तो मतलब स्वाभाविक है कि वो और ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा, और ज़्यादा स्थिर हो जाएगा। तो ये एक हमारा तीसरा स्तर होता है जब हमें ये उपेक्षा या इक्वानिम किसी चीज से मतलब कोई जो चीजें आ रही हैं उससे हमारे बहुत ज्यादा द्वेष, घृणा, ये सब उत्पन्न होना या लोभ उत्पन्न होना, ये थोड़े कम हो जाते हैं, कि मतलब एक हमारे अंदर एक स्थिरता आ जाती है। इसके बाद केवल एक और ध्यान की आज चर्चा करेंगे। ये काफी नई चीजें हैं तो मैं चाहता नहीं कि बहुत ज्यादा जानकारी दूं, लेकिन पहले चार ध्यानों की मैं इसलिए चर्चा करना चाहता हूं कि अगर ये कोई आप लक्षण अपने ध्यान में देख रहे हैं, अपने अभ्यास में देख रहे हैं, तो आप अलग से मुझसे पूछ सकते हैं कि ऐसा हुआ, इसका कुछ मैं मतलब निकालूं, इसका कुछ करूं, इससे मुझे क्या समझना चाहिए, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, क्योंकि आपके साथ मैं इंडिविजुअली गाइड नहीं कर रहा हूं। जैसे नॉर्मल ऑनलाइन रिट्रीट्स होते हैं, फिजिकल रिट्रीट्स होते हैं, तो मैं लोगों को इंडिविजुअली गाइड करता हूं। अभी आप केवल कुछ सवाल पूछ पाते हैं हफ्ते में एक बार, तो अगर आप चाहें तो ऐसे कुछ लक्षण आपके ध्यान में अगर आप देखते हो तो मुझे बता सकते हैं, और मैं उसका क्या इसके हिसाब से आपके अभ्यास में आपको कोई बदलाव लाना है या कुछ और करना है तो वो मैं आपको बता पाऊँ। तो चौथा जो ध्यान का स्तर है, चौथा जो हमारी समाधि है, तो जैसे मन हमारा गहरा होते रहता है, ज़्यादा स्थिर होते रहता है, तो यहाँ पे हमारा मन पहुँचता है
और इसमें हमारी जो स्मृति है, जैसे मैंने पिछली सत्रों में भी बताया था, स्मृति हमारी वो क्षमता है जो याद रखती है कि मन के भटकाव को हमने पहचानना है। मतलब मन जैसे एक वस्तु से दूसरे वस्तु पर जाता है, उस भटकाव की प्रक्रिया को समझना है और इस प्रक्रिया को हमेशा हमने याद रखना है कि इस प्रक्रिया के को देखें हम। इस क्षमता को स्मृति कहते हैं, माइंडफुलनेस कहते हैं। रिमेम्बरिंग टू ऑब्जर्व मूवमेंट ऑफ माइंड फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट टू अनदर, कि हमें याद रखना है कि हमारा मन किस तरीके से एक चीज से दूसरी चीज पर भटकता है, इसको इस प्रक्रिया को देखने के लिए याद रखना है हमने, तो ये स्मृति कहते हैं। तो हमारी जो माइंडफुलनेस है या स्मृति है, ये चौथे ध्यान में बहुत बढ़ जाती है। तो जैसे मैं पहले बता रहा था कि एक विचार में हम बिल्कुल खो जाते हैं, बहुत समय बिता देते हैं, उसके बाद हमें आभास होता है कि अरे मैं तो अभ्यास करने बैठा था, मंगल मैत्री भेजने बैठा था और कहीं और पहुंच गया हूं। तो ये जो भटकाव की प्रक्रिया है, इसको देख पाने की हमारी क्षमता काफी बढ़ जाती है। इसमें एक चीज और होती है, आप अभी तक मंगल मैत्री का भाव जो है अपने हृदय के केंद्र से आप भेज रहे थे अपने आप को या अपने आध्यात्मिक मित्र को, ये जो है खुद ब खुद आपके एक, क्योंकि आपके बदन का एहसास तीसरे ध्यान तीसरी समाधि से कम होने लगता है, तो ये खुद ब खुद ऐसा लगता है कि ये आपके मन से या आपके सर से इसका ये रेडिएट वहां से कर रहा है। मतलब इसका जो सोर्स है, जो इसका मूल है, वो आपके हेड या सर वाले एरिया में, यहाँ से आपके प्रकट हो रहा है जो मंगल मैत्री की भावना है। तो ये आभास आपको होगा, आपके बदन की जो अलग अलग जो भावों का जो एहसास होता है वो बिल्कुल कम हो जाएगा, ना आपको बहुत किसी चीज का बहुत बुरा लगेगा, ना आपका मन बहुत लोभी होगा। तो मतलब बहुत दोनों लोभ और जो घृणा है बहुत कम होंगी, खासकर जो हमारी शारीरिक जो वेदनाएं हैं, शारीरिक जो भाव उत्पन्न हो रहे हैं उनकी तरफ खासकर हमारे आराम या पसंद नापसंद की जो सोच है वो कम हो जाएगी, हमारी उपेक्षा और बढ़ती जाती है, इक्वानिमिटी बढ़ती जाती है। हमारा जो मंगल मैत्री का भाव है ये हमारे सर से निकलता हुआ हमें आभास होगा, और यहाँ पे हमारे जो स्मृति है, जो कुशलता है हमारे मन के भटकाव को पहचानने की, वो काफी तीव्र होने लगी। तो ये चार हमारे पहले ध्यान हैं। इसके आगे अगले सत्र में हम इसके आगे के जो ध्यान हैं, चार और ध्यान हैं, इसको कई विवरणों में ऐसा बताया गया कि चौथे ध्यान के ही चार अलग हिस्से हैं, लेकिन ये सारे ध्यान जो हैं, आप धीरे धीरे जैसे आप अभ्यास करते हैं तो पहले तो आपको कुछ कुछ लक्षण समझ में आएंगे, उसके बाद धीरे धीरे जैसे आपकी कुशलता बढ़ती है तो आप एक एक ध्यान में आप खुद निर्णय ले सकते हैं कि इस ध्यान में मैं बैठूंगा इतने समय के लिए, कि आप ये कह सकते हैं कि आप 4 मिनट और 27 सेकंड के लिए इस ध्यान में बैठोगे और आपका मन जाके वहां पे स्थिर हो जाएगा उस ध्यान में। हर एक ध्यान में आपको अलग अलग, हर एक समाधि में अलग अलग तरीके से जो मन की प्रक्रिया, जो हमारे दुनिया का जो विवरण एक हम अपने मन में उत्पन्न करते हैं, इस प्रक्रिया को समझने की अलग अलग सीखें मिलती हैं हर एक समाधि में। तो आप धीरे धीरे इसमें कुशलता जैसे पाएंगे तो अलग अलग ध्यान में रहेंगे। अभी आपने सिर्फ ये लक्षण आपको दिखते हैं तो मुझे बताएं, और अगर आपके अभ्यास में कुछ आपको अंतर लाना है तो मैं आपको बताऊंगा। अभी इससे ज़्यादा इस पर बहुत ज़्यादा उलझने की ज़रूरत नहीं है, ये आपकी जानकारी के लिए है कि कैसे शमत और विपश्यना हम साथ में जब करते हैं तो मन के भटकाव की प्रक्रिया तो देखते ही हैं, यानी विपश्यना से जुड़ी हुई जो स्मृति की कुशलता है उसको तो हम बढ़ाते ही हैं, लेकिन एक स्थिर मन के बेस से हम ये चीजें करते हैं जो कि हमारी समाधियां हैं। तो बस ये थोड़ा मैं आपको आज बताना चाह रहा था। अभी हम बैठ के आधा घंटा हम अपना ध्यान करेंगे और उसके बाद सवाल पूछेंगे। कुछ आज आपको कुछ
आभास हो तो मुझे इस सत्र के बाद आप बता सकते हैं, या आप जो दैनिक अगर आप कर रहे हैं अभ्यास और इसमें कुछ लक्षण आपको दिखते हैं तो आप मुझे बता सकते हैं। सेशन रिकॉर्ड हो रहा है तो अगर आपको दोबारा सुनना है तो आप सुन सकते हैं कि ये जानने के लिए कि ये लक्षण क्या है, और जैसे ये देखेंगे आपकी अभ्यास में तो मुझे ज़रूर बताइएगा। ठीक है, तो अब हम अपना सामूहिक अभ्यास आरंभ करते हैं। आधे मैं अभी घंटी बजाऊंगा और आधे घंटे बाद पुनः घंटी बजाऊंगा।
सबको नमस्कार। आशा है कि आपका अभ्यास बढ़िया रहा हो। अब प्रश्नोत्तर की तरफ बढ़ सकते हैं। एक सवाल है मेरा। बोलिए। जब हम स्टार्ट करते हैं और जब फील करते हैं कोई सा भी जो मोमेंट रहता है उसे फील करते हैं, तो उस जो हम समय फील करते हैं और अपने आप को हृदय में या हार्ट सेंटर में या चेस्ट सेंटर में आपको देखते हैं, भावना में जो एहसास रहता है उसमें हम अपने आपको महसूस करते हैं और मंगल मैत्री करते रहते हैं कंटिन्यू, तो उस जो फीलिंग है उस फीलिंग और वो जो सेंसेशन है उन दोनों को डिस्टिंग्विश कैसे किया जा सकता है? सवाल है कि फीलिंग कैसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं अपन। एक फील किस चीज को आप फीलिंग और सेंसेशन के बीच में डिफरेंशिएट करना चाहते हैं कि जो मैं फीलिंग बना रहा हूँ है ना, तो आपको जो आप जो कामना भेज रहे हैं ना वो केवल एक फीलिंग नहीं है कि वो सिर्फ एक एहसास है, तो उस एहसास को आप जो भेजने की प्रक्रिया कर रहे हैं अपने आप को या जो कामना कर रहे हैं वो जो विश है वो आपके साधना का वाहन है, मतलब तो वो विश आपने बनानी है वो भेजना है। जैसे आप देखेंगे कि आपके कोई पुराने मित्र से मुलाकात हो तो खुद ब खुद एक मतलब दिल से मन से एक लहर निकलती है खुशी की और एक उनके भले के लिए, मतलब आप बिना किसी झिझक के आप चाहते हैं है ना, तो वो जो हम मंगल मैत्री की जो भाव जो भेज रहे हैं ना वो हमारे साधना का आलम्बन है। ठीक है, मतलब ये नहीं कि हमने वो भाव उत्पन्न करना है और मतलब कुछ जो सेंसेशन हो रहा है हमारे हृदय में मन में वो चीज हमने उस भाव पे ये मतलब ये श्वास से थोड़ा अलग है। जैसे श्वास में होता है कि श्वास आ जा रहा है उसके आने जाने पर हम ध्यान देते हैं ना, तो इसमें ये जो हम भाव भेज रहे हैं तो मन में वो मंगल मैत्री अपने आप को या अपने आध्यात्मिक मित्र को भेजने वाली जो भाव है उस पर हमने ध्यान रखना है, ना कि शरीर में क्या हमारे भाव आ रहे हैं। ठीक है, मतलब वो भाव उत्पन्न करने के लिए हम करते हैं हृदय के केंद्र में और वो उनको भेजते हैं, लेकिन जो जो एक भेजने की जो फीलिंग है वो हमारी किसी को मंगल मैत्री भेजने की जो फीलिंग है वो है हमारे साधना का अलग। कुछ और सवाल है आपको नहीं क्लियर हुआ तो पूछ सकते हैं। वो जो एहसास आता है जो फीलिंग आती है वही तो हम भेज रहे हैं, मतलब भेज नहीं रहे, मतलब उसे फील कर रहे हैं, उसे महसूस कर रहे हैं। दैट इज आल्सो अ काइंड ऑफ सेंसेशन आई थिंक। श्योर, एब्सोल्युटली, मतलब सारी चीजें जो भी आप परसीव कर सकते हैं उसका बेसिस एक सेंसेशन है ना, तो मतलब हाँ उसमें कोई बुराई नहीं है, मतलब बस ये है कि मैं बस ये चाहूंगा कि आप वो मतलब हृदय में उत्पन्न करके फिर मतलब वो जो शारीरिक एहसास है बस उस पे ध्यान न रखें, वो भेजने के प्रक्रिया पर आपका ध्यान रहे। ठीक है, बस यही अंतर है। लेकिन हाँ मतलब हमें जो भी हमारे मन को जो समझ में आता है वो सारी ही चीजें सेंसेशंस होती हैं, कंडीशन होती हैं। होपफुली एक दिन आपको अनकंडीशन का भी एहसास होगा, लेकिन अभी सारी चीजें जो कंडीशन ही होंगी आपके जो सेंसेशन होगी वो ठीक है, मतलब वो आपका आधार बन सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है।
भंते जी ने दो प्रकार के निर्वाण बताए हैं, एक लौकिक निर्वाण और एक पारलौकिक निर्वाण। इसके बारे में आप कुछ बोल सकते हैं? हाँ जी, तो एक जो जैसे हम मैंने आज शुरुआत में चर्चा करी थी कि शिक्षार का प्रयोग करके, छह कदमों का प्रयोग करके, जैसे कई बार किसी सोच या विचार के द्वारा जो हमारे मन में एक तृष्णा उत्पन्न होती है उसको कभी कभार ऐसा होता है कि वो बिल्कुल शांत हो जाती है। तो यही जो मन, जैसे हम शिक्षार करते हैं और रिलैक्स स्टेप करते हैं हम, है ना, तो इसके बाद एक जो आराम का एहसास होता है, मतलब एक तरीके से वहां पे भी हमारी तृष्णा कम हो गई, तो वहां पे जो एक एहसास होता है आराम का कि मन में कोई खिंचाव तनाव नहीं है किसी एक विचारधारा में फंसने की एक वो टेंडेंसी नहीं है, तो उसे एक मंडेन निभाना या लौकिक निभाना जो डॉक्टर साहब कह रहे हैं तो उस तरीके से कहते हैं, और अलौकिक या जो आपके सुप्रीम निभाना होता है वो ऐसा एहसास होता है कि जैसे आप ध्यान के स्तरों से आप गुजरते हैं, आपका मन स्थिर होते रहता है, आराम से टिका रहता है साधना के आलंबन पर, उसमें धीरे धीरे हलन चलन कम होने लगता है, तो ऐसा एक वक्त आता है जब आपकी मन की, मतलब एक तरीके से आप बहुत स्लो मोशन में आपके जो मन के प्रोसेसेस चल रहे हैं आज की दैनिक जीवन में, या अभी आप जैसे अभ्यास करेंगे तो ये सारी चीज़ें इतनी तेज़ी से उत्पन्न होती हैं, इतनी तेज़ी से वो विचारधारा में बदल जाती हैं कि हम वो देख नहीं पाते, पर धीरे धीरे जैसे हमारे मन की स्थिरता बढ़ती है तो ये जो मन में जो हलन चलन होता है ये कम होते जाता है, कम होते जाता है, और एक समय आता है जब बिल्कुल हमारे मन में कोई प्रक्रिया नहीं होती है। मतलब इसे निरोध समापति भी कहते हैं, मतलब तो हमारे मन में बिल्कुल कोई भी हलचल नहीं होती है। इसके बाद जैसे ही अगला जो स्पर्श होता है और वहां से हमारा जब एक विचारधारा बनती है तो हमारा मन ये पूरी जो प्रक्रिया हो रही है शुरू से अंत तक वो एक बार देख लेती है। जैसे मैंने शुरुआत में ये भी कहा था कि एक हमारे मन की जो प्रक्रिया है एक मैजिक ट्रिक की तरह है कि जादूगर कुछ जादू करता है हमारे सामने, हमें समझ में नहीं आता कि क्या हुआ, कैसे हुआ, तो उससे हम बिल्कुल अचंभे में रहते हैं, मान लेते हैं कई लोग कि ये सचमुच कुछ मतलब जादू की प्रक्रिया है, कुछ ऐसी चीज़ है जो कि आम आदमी नहीं कर सकता, लेकिन उसने वो जादू का ट्रिक कैसे किया वो चीज़ अगर हम बिहाइंड द सीन्स जाके देख लें तो मतलब एक वो बहुत साधारण चीज़ हो जाती है। तो हमारे मन की जो प्रक्रियाएं हैं, जो हमारे ऊपर इनका जो पकड़ होता है, जकड़ होता है, जो हमारे हमें मतलब कई परिस्थितियां होती हैं जो हमें शील भंग करने में मजबूर कर देती हैं कि हम दूसरों के साथ गलत काम कर जाते हैं या गलत तरीके से बोल जाते हैं या हमारे मतलब बोल में विनम्रता चली जाती है, तो ये सब चीज़ें जो होती हैं ये एक जादू की तरह हमारे जीवन में होता है, हमें समझ भी नहीं आता कि कैसे हो गया। तो जब हम उस एक निरोध की स्थिति से जब अगला जो स्पर्श होता है और उस स्पर्श से जो विचारधारा बनती है इस चीज़ को जैसे हम देख लेते हैं तो यहाँ पे हमें मतलब एक संपूर्ण निर्वाण या अलौकिक निर्वाण का आभास होता है। मतलब हमें सचमुच पहली बार समझ में आता है कि समझ केवल समझ में ही नहीं आता, जैसे मैं बात कर रहा हूँ तो आप कम से कम कुछ लोग मेरी उम्मीद है कि समझ पा रहे होंगे कि किस चीज़ की बात कर रहा हूँ, लेकिन आप जब खुद आपके खुद के चित्त में आप उस चीज़ को देख पाते हो तो आपको समझ में आता है कि कैसे आपके मन की प्रक्रिया होती है। तो उस
एक बार जैसे वो हो जाए तो आपके पूरे दुनिया को देखने का नजरिया बदल जाता है कि आपको पता है कि एक अलग अलग विचार, अलग अलग स्पर्श हो रहे हैं, अलग अलग स्पर्शों के आधार पर, एक तृष्णा के आधार पर ये स्पर्श बढ़ के एक विचारधारा में बदल रहे हैं और वहां से आपके मानसिक या शारीरिक आपकी प्रक्रियाएं हो रही हैं या बोलने की प्रक्रियाएं वहां से उत्पन्न हो रही हैं। तो ये चीज एक बार आप जब देख लेते हो शुरू से अंत तक ये जो पूरा सिलसिला है, तो आप चीजें देखने की आपका नजरिया बिल्कुल बदल जाता है कि आपको कई चीजें समझ में आती हैं कि पहली बार जो जब ये अनुभव होता है आपको, कई चीजें आपको समझ में आती हैं, आपका आपके अंदर लोभ काफी कम हो जाता है कि कैसे आप देख पाते हैं कि कैसे कोई स्पर्श होता है और वो बढ़ के एक लोभ में आपको फंसा देता है कि आप बिल्कुल उससे जुड़ जाते हैं, अपना मान लेते हैं, खुद मान लेते हैं कि ये चीज मुझे चाहिए वरना मैं खुश नहीं रहूंगा, ये चीज मुझे चाहिए इसके इसके लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ, मतलब ये जो इस चीज की जो जकड़ होती है वो आपके ऊपर ढीली हो जाती है। उसी तरीके से घृणा या द्वेष, मतलब कि कोई चीज नहीं पसंद होना, बिल्कुल उसको सहन नहीं कर पाना, परेशान होना, शारीरिक तकलीफ हो या किसी के पर्सनैलिटी से दिक्कत हो या किसी के विचारधारा से दिक्कत हो, ये सब चीजें एक मतलब आपको मजबूर नहीं करती हैं कि आप उस घृणा में या तो आप कोई ऐसा काम करो जो दूसरे को नुकसान पहुंचाए या उसको मन में बार बार सोच सोच के अपने आप को तकलीफ दे, मतलब तो ये चीजें कम हो जाती हैं। तीसरी चीज है कि मतलब एक अलग तरह का विश्वास आ जाता है इस पूरी साधना में, क्योंकि आप मतलब एक ऐसे पड़ाव पर पहुंचे हैं कि जो साधना में के आसपास आप सुनते आ रहे हैं, सूत्रों में जो लिखा है वो आपने जब खुद देख लिया हो, कि मतलब आपने जैसे कोई इंद्रधनुष कभी देखा ना हो जिंदगी में और सिर्फ चित्रों में देखा है या किसी ने बताया है, और आप खुद जब पहली बार देखें उसको, तो एक जो उसमें विश्वास आता है कि हाँ यही तरीका है कि इस तरीके से मैं अपने मन की कुशलता बढ़ाऊं और उस कुशलता से मैं अपने मन को हर समय उत्कृष्ट रख सकूं, तो इस चीज का विश्वास बढ़ जाता है। एक जो आत्मन का या अपने सेल्फ का, आई का जो एक कॉन्सेप्ट होता है, उसको एक परमानेंट एंटिटी की तरह हम नहीं सोचते कि एक अलग चीज है आई है जो एक साबुत सी चीज है, एक परमानेंट सी चीज है, मतलब स्थाई चीज है कि ये कभी बदलती नहीं है। इसके जगह हम समझने लगते हैं कि कैसे अलग अलग प्रसंग में, अलग अलग संदर्भ में जो स्पर्श हमारे मन पर, हमारे मतलब मन पर होता है, हमारे अलग अलग स्नायु तंत्रों से जो होता है, तो वो कैसे इस आय को उत्पन्न करते हैं, कि मतलब एक कॉन्टेक्स्ट डिपेंडेंट कैसे आपका एक सेल्फ का कॉन्सेप्ट जनरेट होता है, कि मतलब इस संदर्भ में मैं अपने आप को ऐसा मानता हूं और ये मुझे आगे कई चीजें करने में सरलता लाती हैं और कई चीजें समझने में आसानी लाती हैं, लेकिन ये इसकी वास्तविकता नहीं है। तो मतलब एक सेल्फ ऐसा कॉन्सेप्ट रादर देन ऐसा परमानेंट एंटिटी, मतलब कि एक ये एक सोच है जो आपको मदद करती है, पर इसके एक स्थायी और अलग चीज नहीं है जो अपने आत्मन को हम समझते हैं, ये समझ में आता है। और ये भी समझ में आता है कि इस तरीके की समझ पर पहुंचना, इस तरीके की अपने मन की प्रक्रिया को पहचान पाना और उससे जो आपके जीवन में हर एक प्रसंग में जो आपका जो बिहेवियर है, आपका जो जिस तरीके से आप उससे डील करते हैं, जिस आसानी से उसको डील करते हैं, परेशान नहीं होते हैं, उत्तेजित नहीं होते हैं, ये सब कर पाना मतलब साधना के जरिए ही मुमकिन है और कोई मतलब रीत रिवाज के जरिए ये मुमकिन नहीं है। मतलब तो ये सारी चीजें समझ में आती हैं पहली बार जब ऐसा होता है, जब अलौकिक निर्वाण का आभास होता है। और इसमें मतलब अलौकिक निर्माण के भी
तीन चार स्टेज होते हैं. पहली बार ये सारे आपके समझ में आती हैं ये चीजें कि एक निजी एंटिटी, एक सेल्फ की एंटिटी ना होने का आभास होता है. एक कॉन्फिडेंस बढ़ता है कि यही सही तरीका है. लोभ और घृणा कम होती है और रीति रिवाजों पर आपका जो निर्भरता होती है वो हट जाती है कि नहीं, ये साधना है सही तरीका यहाँ पहुँचने का. तो ऐसे ही मतलब ऐसा जब पहली बार आभास होता है तो मतलब जो साधक होता है वो सकदगामी कहते हैं इसको. इस पे मैं अभी बहुत ज़्यादा अभी नहीं जाऊँगा. अगली बार जब हम और बाकी समाधियों की बात करेंगे तो थोड़ा इसके बारे में चर्चा करूँगा कि कैसे अलग अलग स्तर होते हैं, कि आपके निर्वाण का जो अनुभव होता है उसके बाद भी अलग अलग स्तर होते हैं वहाँ तक पहुँचने में, जहाँ आप मतलब किसी भी प्रसंग में आप अपने एक निजी दुनिया या एक निजी जंजीरों में आप फंसे नहीं रहते हो. आप जो भी काम करते हो वो वैसा काम करते हो जो समय सबसे ज़्यादा उपयुक्त है अपनी भलाई बुराई. इससे आप अपने सही काम करने की क्षमता को सीमित नहीं करते. तो ये थोड़ा लौकिक और अलौकिक निर्वाण के बारे में. सावन, आपको कुछ पूछना है? हाँ, नमस्कार राजू जी. नमस्कार. मेरे को एक साधना के एक प्रश्न है. मैं एक एक्सपीरियंस ऐसे कर रहा हूँ. मैं जब फोर्थ जाना के ऊपर जाता हूँ तब एक्चुअली एक बहुत ही छोटा सा कंट्रोलिंग इंटेंशन है लग रहा है मेरे को. हाउ टू गेट रिड ऑफ दिस कंट्रोलिंग attitude of the mind, ये कब होता है आपको कि बाकी लोगों के लिए बस मतलब अगर किसी को नहीं समझ में आया तो एक बार दोहरा देता हूँ कि मतलब सावन जी कह रहे हैं कि ऐसा है कि उनके एक समय पर उन्हें लगता है कि मेरा मन कुछ करने की कोशिश कर रहा है, कुछ उत्पन्न करने की कोशिश कर रहा है कुछ तरीके के अनुभव. सही बोल रहा हूँ सावन जी? तो हाँ. इसके लिए क्या करो? तो इसमें हमने पूरी साधना में सबसे जरूरी है, और ये कितना भी अनुभवी साधक हो तो बार बार ये अपने आप को याद दिलाना जरूरी है कि एक ऑब्जर्वर या एक दर्शक इसका मतलब ये रोल हमने प्ले करना है. हम बैठे हैं मंगल मैत्री भेजना, और आगे के सत्रों में ये भी बताऊंगा मैं कि मंगल मैत्री से कैसे जैसे हमारे अलग अलग समाधियों में हम गुजरते हैं तो हमारे जो ये मंगल मैत्री खुद ब खुद बाकी जो ब्रह्म विहार के भाव हैं उसमें तब्दील हो जाता है. तो जो भी हमारे साधना का आलंबन हो तो हमने वो भेजना है और मन की प्रक्रिया को देखना है. इसमें भी जो हम भेजने की बात करते हैं है ना, तो क्या होता है कि कई बार हम अपनी साधना को एक कार्य की तरह देखते हैं. जब एक कार्य होता है तो जो एक गोल ओरिएंटेड कंडीशनिंग होती है हमारे कि हम कहते हैं कि एक कार्य करना है और इसका ये नतीजा होना चाहिए. तो ये हमारे हर चीज़ जो हम करते हैं जीवित रहने के लिए, समाज में रह पाने के लिए, ये एक आम तरीका है सोचने का. तो आपको ये टास्क ओरिएंटेड नहीं करना है, ये काम नहीं है जो आप कर रहे हैं. सबसे पहले आप मतलब मेरा अनुमान है कि आप थोड़े टाइम से प्रैक्टिस कर रहे हैं है ना. तो जैसे सबसे पहली चीज़ है कि आप जैसे अपने आप में दिखते हैं, दिखना शुरू करते हैं, या तो धर्म के बारे में सुनकर, सूत्रों के बारे में सुनकर, या ये जो हमारे सत्र चल रहे हैं,
इसमें सुनकर हम समझते हैं कि कैसे मन की अकुशलता से हम खुद अपने दुख को उत्पन्न करते हैं, अलग अलग विचारों में फंस जाते हैं, अलग अलग मतलब परिस्थिति को हम इतना निजी मान लेते हैं कि उससे बाहर निकलना भी मुश्किल होता है कि अगर मैं वो खुद हूँ तो उससे मैं दूर कैसे हो सकता हूँ, मतलब ये समझ में नहीं आता है ना। वो विचार हमारे मन से दूर होते हैं, वो 24 घंटे हमें परेशान करते रहते हैं, सब गुजरते हैं, कोई ना कोई चीज़ होती है जिससे बहुत परेशान होते हैं, कभी पैसों की दिक्कत होती है, कभी रिश्तों की दिक्कत होती है, कभी कुछ ना कुछ सबके जीवन में बीतता है ना। तो एक चीज़ ये ज़रूरी है कि समझना कि इस दुनिया में बहुत लोग हैं जो ये मन की कुशलता नहीं सीखे हैं, ज़्यादातर मैं तो ये कहूँगा बहुत कम लोग हैं जो कि मन की कुशलता सीख पाए। तो सबके मन में बिना उनके किसी चाह के केवल एक अकुशलता के वजह से बहुत दुख और पीड़ा लोगों के जीवन में होती है ना। तो कभी भी जैसे आप ये मंगल मैत्री या जैसे आगे बढ़ेगा करुणा या मुदिता या उपेक्षा, मतलब लविंग काइंडनेस, कंपैशन, जॉय और इक्वानिमिटी, ये जब भी आप भेजते हैं एक बार हमेशा, मतलब ये मत सोचिए कि ये मेरा काम है और मैं भेज रहा हूँ, मतलब ये बंदूक की गोली नहीं है जो आपने चलानी है। एक बार बैठने के पहले आप समझिए कि आपको जैसे अपनी अकुशलता का थोड़ा आभास हुआ है कि कई बार मैं कैसे अपने आप को खुद के लिए अपने दुख उत्पन्न करता हूँ, पीड़ा उत्पन्न करता हूँ, ऐसे मतलब करोड़ों लोग हैं। तो जब ये भाव भेजेंगे आप, है ना, तो जैसे आप आगे बढ़ते हैं तो एक जो आध्यात्मिक मित्र है उससे बढ़कर और लोगों को भेजना शुरू करते हैं। इसीलिए मैंने जैसे कहा कि आज मैंने कई चीज़ें बताई शुरू की चर्चा में, आपको समय मिले तो बाकी लोग भी दोबारा एक बार देखें, कोई अगर लक्षण देखते हैं अपने अभ्यास में तो मुझे बताएं आगे कैसे, जैसे सावन जी अभी प्रैक्टिस करें तो आगे कैसे आपकी प्रैक्टिस बदलेगी, ये मैं थोड़ा आपको बता पाऊंगा। आप धीरे धीरे आप और लोगों को भेजना शुरू करेंगे, अभी बेबी स्टेप्स ले रहे हैं, जैसे जैसे थोड़ा आगे भेजेंगे आगे पहुंचेंगे तो दुनिया में सारे जीवों को हम ये ब्रह्म विहार वाले भाव भेजना शुरू करें। तो आप ये चीज़ एक बार सोच सकते हैं ध्यान करने के पहले सावन जी। तो क्या होता है कि एक बहुत स्वाभाविक तरीके से ये जो ब्रह्म विहार है ये भाव आपके उत्पन्न होंगे, ये नहीं होगा कि ये मैं बंदूक की गोली चला रहा हूँ, ये मैं कार्य कर रहा हूँ, मुझे एक नतीजा चाहिए, और आपको कोई नतीजे की अपेक्षा रखकर मत करिए, केवल आपने बहुत स्वाभाविक, तो आपने समय निकाला है अपने आध्यात्मिक विकास के लिए, है ना, एक घंटा, दो घंटा, तीन घंटा, जितना भी निकालते हैं वो समय आपने निकाला है। ये आप अपने मन में आप एक बार समझते हैं कि ये स्वाभाविक है कि अगर मैं थोड़ी कुशलता की ओर बढ़ रहा हूँ तो जो अकुशल है, पीड़ित दुखी लोग हैं, उनके लिए मैं अच्छी कामना भेजना, मतलब एक स्वाभाविक चीज़ है, ये मेरा एक कार्य नहीं है, ये तो मेरा एक बेसिक स्टेट होना चाहिए, मतलब ये बहुत एक स्वाभाविक बन जाता है। तब ये कार्य तो क्या है कि जैसे जैसे हम ये ध्यान के स्तरों में आगे बढ़ते हैं तो ये जो तृष्णा है, मतलब ये कम करना और ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। जो भी तृष्णा होती है वो अपने आपके मन को डिस्टेबलाइज कर देती है, और अगर ये आप सोच के बैठेंगे कि मुझे इस पर बैठना है, मुझे कुछ निकाल के ले जाना है, मेरा फ़ायदा होना चाहिए, मेरे चवन्नी का एक रुपया बनना चाहिए, तो वो तृष्णा आपको आगे बढ़ने नहीं देगी। आप हमेशा ये सोचते रहें कि मैं क्या गलत कर रहा हूँ या मैं और जोर लगाऊं, ये जोर वाला काम नहीं है। जैसे बंदे हमेशा कहते हैं कि आपको एक दीप की तरह रोशनी भेजनी है, मतलब आपने जो दीप है बिना किसी एफर्ट के रोशनी भेजता है ना। तो ये जो मंगल मैत्री या ब्रह्म विहार जो है, ये जो भाव है, आपको उसी तरह भेजना है, आपने इसको धक्का दे के नहीं भेजना, ठीक है। तो बस ये चीज याद रखिए, और ये बहुत आम है कि क्या होता है कि आप प्रगति देखते हैं आपके सफर में, तो आपको लगता है कि आगे पहुंचने के लिए तो मुझे और, मतलब और भागना है या एक्सेलरेटर और दबाना है, लेकिन उससे नहीं होता, मतलब ये एक खुद ब खुद एक जो आप एक ये जो एक्सेलरेटर दबाने वाला काम है उसमें एक तनाव होता है,
है ना, कोई भी चीज आप लग के करते हो, तो मतलब ये ऐसी चीज है जो आप आपको अपने आप को होने देना है, करना नहीं, और वो करेंगे आप अपने एक दर्शक का किरदार लेकर, कि आप एक ऑब्जर्वर हैं और आप जो ब्रह्म विहार के भाव जो भेज रहे हैं बाकी प्राणियों के लिए, ये आप एक थोड़ा आप इस पर चिंतन कर सकते हैं ध्यान में बैठने के पहले, और ये स्वाभाविक हो जाएगा। ये मेरी मेरा सुझाव है आपके लिए। थैंक यू राजू जी, मैं ही आप जो बोले मैं ही वो इम्प्लीमेंट कर कर बताऊंगा आपको। थैंक यू। चलिए, आज का सत्र तो समय आज समाप्त हो गया, तो डॉक्टर साहब एक बार आप प्रार्थना लीड करिए प्लीज। सब लोग जुड़ जाएं तो अच्छी बात है, ये भी एक चीज है, एक दान का कार्य है, क्योंकि हम जो हमने अभी धर्म की बातें करके और साधना करके जो एक अच्छे हमने पुण्य कमाए हैं, तो ये हम और लोगों के साथ और जो पीड़ित दुखी लोग जीव हैं दुनिया में, ये इसके जो भी हमें फायदा मिला है उसको हम बांटने की बात कर रहे हैं, तो ये भी एक दान का कार्य है, एक शील का कार्य है। तो सब लोग जुड़ेंगे तो आपके एक मतलब आपके मन की उत्कृष्टि में इसका भी कंट्रीब्यूशन रहेगा। दुख ग्रस्त हो दुख मुक्त, भय ग्रस्त हो भय मुक्त, शोक ग्रस्त हो शोक मुक्त, ओ सुखी सबनी, हमने किया जो यह पुण्य संपादन, सभी संपदार्थ सभी देव दे उसे अनुमोदन, आकाश और भूमि के महासिद्ध देवनाग करें पुण्य का अनुमोदन, चिरकाल रखें बुद्ध शासन, चिरकाल रखें बुद्ध शासन, चिरकाल रखें बुद्ध शासन, साधु साधु साथ साथ।